आज की वीडियो में हम जिस हमजहद शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं वो है अलामा मोहम्मद असद, जो कि नडर सहाफ़ी, मुफक्किर, मुसन्निफ़, मुसल्ले, मुतरजम, मुफस्सिर, मुहक्किक, माहिर लसानियात, सफारतकार, सयाह और ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। अगर 20वीं सदी के नहायत मुतासिरकुन यूरोपी मुसलमानों की बात की जाए तो उनमें अलामा मोहम्मद असद सर फहरिस्त हैं। मोहम्मद असद की तारीख पैदाइश 2 जुलाई सन 1900 है। वो लेमबर्ग, ऑस्ट्रिया हंगरी के एक यहूदी घराने में पैदा हुए। इस्लाम कबूल करने से कबल उनका नाम लियोपोल्ड वीज था, जबकि वो दोस्तों में पोल्डी के नाम से जाने जाते थे। सबसे पहले हम उनके बचपन की बात करते हैं। अलामा असद पैदाइशी तौर पर बेहद ज़हीन थे। वो बहुत ही छोटी उम्र में ही तौरात, तफसीर तौरात, अहदनामा अतीक और तालमूद समेत यहूदियत की दीगर कुतुब का मुताला कर चुके थे। महज 13 बरस की उम्र में रवानी के साथ इब्रानी ना सिर्फ पढ़ सकते थे बल्कि बोल भी लेते थे। वसी मुताले ने उन्हें आखिरकार यहूदियत से दूर और इस्लाम के बेहद करीब कर दिया। 1920 में उन्होंने यूनिवर्सिटी की तालीम अधूरी छोड़कर सहाफत को अपना जरिया माश बनाया और जर्मनी के शहर बर्लिन में एक न्यूज़पेपर ज्वाइन कर लिया। 1922 में वो फलस्तीन गए, जहां उन्हें पहली मरतबा इस्लामी तर्ज ज़िंदगी का मुशाहिदा करने का मौका मिला। वो फलस्तीनी मुसलमानों पर बाहर से आने वाली सहूनियों के गलबे पर सख्त मोतरज और अरबों से कुर्ब महसूस करते थे। यरूशलेम में उन्होंने अरबों के लिए आवाज़ बुलंद करना शुरू की और जल्द ही फलस्तीनियों के हमदर्द के तौर पर मशहूर हो गए। 1923 में उनकी मुलाकात उर्दन के शाह अब्दुल्ला से हुई। ये उनकी अपनी ज़िंदगी में किसी अरब रियासत के सरबराह से पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात का फ़ायदा ये हुआ कि मोहम्मद असद फलस्तीन में जर्मन अखबार फ्रैंकफर्टर जैतून के नुमाइंदे बन गए और सहूनियत के खिलाफ और अरबों की कौम परस्ती के हक में लिखना शुरू कर दिया। बाद अज़ां मोहम्मद असद ने शाम, इराक, कुर्दिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और मशरकी एशिया का सफ़र किया और इन इलाकों में इस्लाम की अनगिनत अशकाल ने उन्हें इस मजहब का गर्विदा बना दिया। जर्मनी में रिहाइश के दौरान उन्होंने खुद से 15 बरस बड़ी और बेवा जर्मन खातून एल्सा से शादी कर ली। कबूल इस्लाम के बारे में बताते चलें कि वो एक रोज़ अपने फ्लैट में दाखिल हुए और कुरान पाक का मुताला शुरू कर दिया। कुरान पढ़ते पढ़ते वो सूरतुल कौसर पर पहुँच कर रुक गए और गौर व फिक्र शुरू कर दिया। कुरान के अलहामी किताब होने से मुतल्लिक उनके तमाम शकूक व शुबात दूर हो गए। वो फौरन बर्लिन इस्लामी सोसाइटी की जानिब रवाना हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। चंद हफ्ते बाद उनकी अहलिया एल्सा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद मोहम्मद असद 6 बरस तक सऊदी अरब में मकीम रहे। उन्होंने इस अरसे में बादशाह अब्दुल अजीज़ इब्ने सऊद के मुकर्रब की हैसियत से शाही महल की सियासत को करीब से देखा और मदीना में मजहबी तालीम हासिल करते गुजारा। मोहम्मद असद ने सऊदी अरब में 2 शादियां की। मोहम्मद असद को सरजमीन अरब से एक ख़ास उनसियत थी। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि इब्ने सऊद इस सरजमीन पर इस्लामी माशरे का अहया करें और उन्होंने बादशाह से अपनी इस तमन्ना का इजहार भी किया, मगर उन्हें मायूसी के सिवा कुछ ना मिला। अब हम आपको मोहम्मद असद के तहरीक पाकिस्तान के किरदार के बारे में बताने जा रहे हैं। इन्होंने हिंदुस्तान के सफ़र का आगाज़ लेक्चर टूरिस्ट के तौर पर किया। अमृतसर से ताल्लुक़ रखने वाले सामाजिक कारकुन इस्माइल गजनवी से वो रबते में थे। वो 1933 में श्रीनगर में देखे गए और बरतानवी खुफिया इदारों ने उन्हें अपनी रिपोर्ट में उन्हें वहाँ बुलशवेक नज़रियात फैलाने में मुलव्वस करार दिया। अगरचा कश्मीर में मोहम्मद असद की सरगर्मियों के बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनकी मौजूदगी की इतला मिलते ही कश्मीरी हुकूमत उन्हें फ़ौरन रिपोर्ट करने को तैयार हो गई। लेकिन मकामी पुलिस के पास बरतानवी खुफिया इदारों की रिपोर्ट की तस्दीक के लिए कोई सबूत मौजूद नहीं था, जो यूरोपीय कौमियत रखने वाले शख्स को जिला वतन करने में एक कानूनी रुकावट थी। मोहम्मद असद जल्द ही कश्मीर से लाहौर आ गए और यहाँ कश्मीरी नस्ल शायर व फलसफी अलामा मोहम्मद इकबाल से मिले, जिन्होंने उन्हें हिंदुस्तान में रहते हुए मुस्तकबिल की इस्लामी रियासत की हदूद दानिश वाजे करने की तरगीब दी। 1934 में मोहम्मद असद ने इस्लाम एट दी क्रॉस रोड्स के अनवान से एक किताबजा शायर किया, जो इस्लामी मुफक्किर के हवाले से उनका पहला जुरतमंदाना काम था। इस किताबजे को मगरिब की मादा परस्ती के खिलाफ एक हिज्जो करार दिया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने इसमें इस्लाम और मगरबी तहजीब को एक दूसरे के बरखिलाफ करार दिया, जिसे इस्लामी दुनिया में बेहद पजीराई मिली।
1950 की दहाई में उनकी अपनी शोरा आफाक तसनीफ दी रोड टू मक्का मंजर आम पर आई। मोहम्मद असद ने बहुत मुश्किल हालात भी देखे, जेलें भी काटी, फिर हसूल पाकिस्तान के मकसद से जुड़ गए। 1947 में क्याम पाकिस्तान के बाद उन्हें कैद आजम ने नई रियासत में महकमा इस्लामी तामीर नौ के डायरेक्टर तैनात कर दिया। अलामा असद ही वो पहली शख्सियत हैं जिन्हें पाकिस्तान की पहली शहरियत हासिल हुई और उन्होंने अपने आप को नई ममलिकत के आइन की खातिर तजावीज़ की तश्कील के लिए खुद को वक्फ कर दिया। 1949 में मोहम्मद असद ने पाकिस्तान के महकमा खारजा में शमूलियत इख्तियार की और वजारत खारजा मशरक़ वस्ता डिवीजन के सरबराह के ओहदे तक पहुँचे। बाद हज़ां बरसगीर में मुसलसल 20 साल तक अकामत पजीर रहने के बाद 1952 के आगाज़ में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के एक बाख्तियार वकील के तौर पर न्यूयॉर्क रवाना हो गए। मोहम्मद असद की मगरब में वापसी के नतीजे में उनकी शोहरत और इस्लाम से कुर्बत में इजाफा हुआ। उन्होंने पोला हमीदा नामी खातून से भी शादी की थी। उस वक्त के वजीर आजम पाकिस्तान ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने उनकी शादी पर सख्त रद्दमल जाहिर किया। 1952 के आखिर में उन्होंने इस उम्मीद पर इस्तीफा पेश किया कि उनका दर्जा मुस्तहकम हो जाएगा, लेकिन हैरान कुन तौर पर उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। ताहम पाकिस्तानी वजारत खारजा से उनका नाता कायम रहा कि जब 1953 में ख्वाजा नाजिमुद्दीन का इकतदार ख़त्म हुआ तो वो वजारत में वापस आ गए। माली तंगदस्ती की वजह से उन्होंने किताब लिखना शुरू की जिसने उन्हें आलमगीर शोहरत अता की। दी रोड टू मक्का नामी किताब न्यूयॉर्क में लिखी गई। 1954 में मंजर आम पर आई और रूहानी सुकून की तलाश और मुहिम जोई के इम्तजाज पर मुश्तमिल इस किताब को दुनिया भर में पजीराई मिली। दी रोड टू मक्का को कबूल इस्लाम के एतराफ़ के तौर पर लिखी गई दीगर कुतुब पर आज भी सबकत हासिल है और आज भी दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में इसका तर्जमा जारी है, जो आम कारियों और हमदर्दान इस्लाम पर इस किताब की ताकतवर असर का बैन सबूत है। कोई फ़र्द एक बार एक सच्चे मुसलमान की माने ज़िंदगी गुजारने का आगाज़ करता है तो उसकी तमाम काबिलियत अपनी मार्केट वैल्यू गंवा देती हैं। मोहम्मद असद की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो हमेशा से आला और जदीद मायार ज़िंदगी के खोगर थे और इस्लाम कबूल करने के बाद उन्हें संगीन तरीन माशी मुश्किल का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में उन्हें एक के बाद दूसरे समझौते पर मजबूर होना पड़ा। मोहम्मद असद ने पोला हमीदा के साथ जनीवा में नकल मकानी की और यहाँ कुरान पाक के अंग्रेजी तर्जमे का मंसूबा बनाया। 1980 में उन्होंने जबल तारिक में द मैसेज ऑफ द कुरान के अनवान से किताब का मुकम्मल तर्जमा और तफसीर शाये की, लेकिन इस तर्जमे ने बाज़ियात की जदीद और अलामती तशरीहात को मुतनाज़े करार दिया और नकादों ने इन पर कई इल्ज़ाम भी आयद किए। ये भी कहा जाता है कि 1982 में उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक ने उन्हें पाकिस्तान वापस लाने की कोशिश की, मगर ये बेनतीजा रही। अपनी ज़िंदगी के आखिरी बरसों में उन्होंने द रोड टू मक्का के आखिरी हिस्से पर काम शुरू कर दिया था, जिसका नाम होम कमिंग ऑफ द हार्ट तजवीज़ किया गया। मोहम्मद असद का इंतकाल 20 फरवरी 1992 को हुआ और उन्हें गरनाता के एक कब्रिस्तान में दफन किया गया। मगरबी दानिशवरों के मुताबिक अलामा मोहम्मद असद मंतकी इस्लाम की बात करते थे और इस्लामी तालीमात और जमहूरियत के दरमियान मुताबकत चाहते थे। पाकिस्तान में उन्हें हुकूमती सतह पर मुतरजम व मुफसर इस कुरान के तौर पर कबूल करने से इज्तनाब किया गया, जबकि उसके बरक्स मगरब ने उनकी काविशों का हकीकी इतराफ़ किया और ये नौ मुस्लिम के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। नाज़रीन, ये थी मोहम्मद असद के बारे में कुछ अहम मालूमात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सराहने के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक के ऑप्शन पर भी क्लिक करना मत भूलिए, और अगर आप मज़ीद किसी ऐसी ही शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।